नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi मॉडल का। और भी वेरिएंट इसमें अवेलेबल है, जैसा कि LXi, VXi और ZXi, ZXi प्लस, और AMT में भी अवेलेबल है ये, और डीजल में भी अवेलेबल है। तो इसी का रिव्यू करेंगे, स्विफ्ट ZXi का। तो इसके रियर लुक है गाड़ी की, रियर से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और रियर में आपको हाई मोड स्टॉप लैंप दिए गए हैं, और साथ में ही आपको डिफोगर भी दिया गया है, और साथ में रियर वाइपर डिफोगर के साथ ही रियर विंडशील्ड पे। और स्विफ्ट का बैजिंग मिलेगी, स्विफ्ट की बैजिंग, और आपको LED दी गई है टेल लाइटों में स्विफ्ट की बैजिंग के साथ। और रियर पार्किंग सेंसर इसमें आप अवेलेबल है, बम्परों पे देखिए इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं इसमें, जैसा कि आपके सेफ्टी फीचर्स में। और व्हीलों की बात कर लेते हैं, तो अलॉय व्हील मिलेंगे आपको, अलॉय व्हील मिलेंगे 15 इंचज़ के। ZXi गाड़ी है तो अलॉय व्हील दिए गए हैं, VXi लेंगे तो आपको स्टील व्हील मिलेंगे और VXi में। और यहाँ डोरों को खोलने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, रियर डोर को खोलने का ऑप्शन। और जैसा कि टच बटन दिया गया है, अगर आपके पास से रिमोट की है तो टच करते ही जो डोर ओपन हो जाएगा डोर। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और लेंथ की बात कर लेते हैं, तो 3840 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1735 mm की विड्थ है। हाइट की बात करें तो 1530 mm की हाइट है। और माइलेज की बात करें तो 22 KMPL की माइलेज मिलेगी आपको पेट्रोल में। और व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm का व्हील बेस है इसका, और साइड मिरर पे ही टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm के ग्राउंड क्लियरेंस है, और टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसमें। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। और ये फ्रंट में आपको हेडलैम्प क्रोम इंसर्ट के साथ दिए गए हैं, हेडलैम्प तो देखने में काफ़ी अच्छे लुक दे रहे हैं। और नॉर्मल हेडलैम्प मिलेंगे आपको इसमें, नॉर्मल हेडलैम्प मिलेंगे, और साथ में ही इंडिकेटर जो काफ़ी अच्छे। और साथ में ही आपको फ्रंट में ही आपको फॉग लैम्प भी दिए गए हैं, ZXi मॉडल तो आपको फॉग लैम्प दिए गए हैं, कंपनी फिटेड फॉग लैम्प है ये। और VXi लेंगे तो आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे। और ये फ्रंट लुक है गाड़ी की, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और ये फ्रंट लुक है गाड़ी, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश वगैरह दी गई है, ग्रिलों पे एस कमोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा, और फॉग लैम्प दिए गए इसमें, काफ़ी अच्छी लुक है। और बात कर लेते हैं प्राइस की, तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 6,49,000 एक्स शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस है इसका 7,36,000 ऑन रोड प्राइस है इसका न्यू दिल्ली। और कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो आपको 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जैसा कि मिडनाइट ब्लू, मैग्मा ग्रे, सिल्वर सिल्की, सॉलिड फियरिंग रेड, लूसेंट ऑरेंज, पैरलर आर्टिक वाइट। तो 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद हो उस कलर में आपको गाड़ी आप ले सकते हैं। उस कलर में जो कलर ऑप्शंस आपको पसंद हो, इसमें ज़्यादातर लोग सिल्वर सिल्की लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस वगैरह छिप जाते हैं आसानी से। और ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड टाइप मिलेंगे, रियर सस्पेंशन आपको मिलेंगे टॉरिजन बीम टाइप। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें दी गई है आपको। और जैसा कि ये ZXi गाड़ी है, और अगर आप VXi गाड़ी लेंगे तो आपको ब्लैक व्हील मिलेंगे, और LXi गाड़ी लेते हैं तब भी आपको स्टील व्हील मिलेंगे, और ZXi प्लस लेते हैं तो भी आपको डायमंड कट में आपको अलॉय व्हील मिलेंगे ZXi प्लस में। और ये देखिए टच बटन दिया गया है दोनों ही डोरों पे, फ्रंट के दोनों ही डोरों पे आपको टच बटन मिलेगा। ZXi और ZXi प्लस में आपको ये फीचर्स मिलेंगे, यहाँ से फ्यूल वगैरह आप भरवा सकते हैं। तो आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी है ZXi गाड़ी, फुल्ली लोडेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो एक गाड़ी के लिए होनी चाहिए। ZXi गाड़ी इज़ बेस्ट। और चलिए बूट डोर खोल लेंगे और बूट स्पेस की बात करेंगे।
तो कैसा बूट स्पेस आपको मिलता है इसमें, रियर पार्सल ट्रे दी गई है। पहले तो देखिए रियर पार्सल ट्रे के साथ ही आपको अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया है, 268 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। साथ में नाइट में सामान वगैरह रखने के लिए लाइट भी दी गई है इसमें, और हुक भी दिया गया है, कुछ सामान वगैरह आप इसमें हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे आप टूल किट वगैरह रखने के लिए, जैक वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है यहाँ पे, तो वो आप रख सकते हैं आसानी से। और इसमें आपको स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ मैं कैसा है। देखिए ये आपको स्टील स्पेयर व्हील मिलेगा आपको ZXI गाड़ी में, और मैक्सिमम स्पीड जो है आप इस जब टायर की टायर को जब लगाएंगे तो 80 की स्पीड से ज़्यादा ना भगाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस वगैरह करेगी। तो कंपनी खुद कहती है कि 80 से ज़्यादा इस टायर को ना भगाएं, क्योंकि ये जो टायर है 1 इंच छोटा है, जैसे कि चारों टायर आपके 15 इंचेस के, तो ये 14 इंचेस का, इसलिए आप समझ गए होंगे। चलिए अब रियर डोर के इंटीरियर में चलेंगे, और रियर डोर के इंटीरियर की बात करेंगे कैसा इंटीरियर दिया गया है। डोरों पे आपको देखिए इनसाइड हैंडल आपको क्रोम के दिए गए हैं, क्रोम फिनिश, पावर विंडो, बोतल होल्डर का स्पेस मिलेगा आपको इसमें, और स्पीकर, और ये टूल किट वगैरह है। टूल किट वगैरह, और चलिए अब लेग रूम आपको दिखा देते हैं कैसा लेग रूम है। इसमें लेग रूम भी ठीक ठाक ही मिल जाता है, वैसे तो बैलेंस अच्छा लेग रूम नहीं मिलेगा आपको। और सीटों के अपोस्टर की बात करें तो ब्लैक कलर की दी गई है, और कुशनिंग काफ़ी बेटर है इसकी। ये साइड डोर ट्रिम का लुक है जिसमें क्रोम कैंडल दिए गए हैं, पावर विंडो, कॉटन फिनिश मिलेगी देखने को, और साथ में स्पीकर और बोतल होल्डर का स्पेस दिया गया इसमें, जो कि काफ़ी अच्छे लुक देता। और साथ में ही आप हम आपको हेडों की बात कर लेते हैं, कैसे हेड मिलते हैं आपको। रियर सीटों के हेडों की बात करें तो एडजस्टेबल दिए गए हैं, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रियर के दोनों ही सीटों के हेड एडजस्टेबल दिए गए हैं, और ग्रिप असिस्टेंट लेफ्ट में और राइट में भी आपको ग्रिप असिस्टेंट वगैरह दिया गया है इसमें, और साथ में ही अब हम ये देखिए आपको यहाँ पे ना एक कप होल्डर दिया गया है, कुछ स्पेस दिया गया रियर पैसेंजर के लिए, जैसा आप देख रहे हैं। और लेग रूम तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बैलनों से कम ही मिलता है लेग रूम आपको इसमें, लेग रूम की थोड़ी दिक्कत आएगी आपको इसमें। कुछ स्पेस दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए। फ्रंट के हेडों की बात करें तो फ्रंट के सीटों के हेड भी एडजस्टेबल दिए गए हैं इसमें, और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो टोटल इंटीरियर आपको जो है ब्लैक मिलेगा, टोटल इंटीरियर आपको ब्लैक ही दिया गया है इसमें। चलिए अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में चलेंगे, कैसा इंटीरियर मिलता है आपको फ्रंट डोर का। फ्रंट डोर के इंटीरियर में आपको क्रोम के इनसाइड हैंडल आपको क्रोम के दिए गए हैं, और टूटर मिलेंगे, दो टूटर मिलेंगे आपको, और साथ में ही आपको क्रोम के हैंडल्स, पावर विंडो मिलेंगे चारों डोर, ऑटो के साथ लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को लॉक कर सकते हैं, और साइड मिरर को जो है फोल्डेबल भी दिए गए हैं इसमें, तो साइड मिररों को फोल्ड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं साइड मिरर, तो दोनों ही ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और साथ में ही आपको इसमें ग्रे फिनिश भी दी गई है, डोर ट्रिमों पे देखिए आप ग्रे फिनिश मिलेगी देखने को, और साथ में ही कॉटन फिनिश भी दी गई है ग्रे फिनिश के साथ, और नीचे आपको स्पेस भी दिया गया है, बोतल होल्डर का स्पेस दिया गया अच्छा खासा, और स्पीकर। अब सीटों की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट के जो सीटें हैं, ड्राइवर सीट है ये, उसकी बात करेंगे। ये था फ्रंट डोर का ट्रिम का लुक, और ये सीटों की बात कर लेते हैं आप, जिसमें कि आपको हाइट एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ही फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, दोनों फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो एक गाड़ी के लिए होने चाहिए। और फ्रंट में आपको एसी वेंट्स के साथ ही आपको स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच दिया गया है इसमें, देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और साथ में ही हेडलाइट ड्राइविंग के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, पार्किंग के स्विचेस दिए गए हैं इसमें,
राइट साइड में ही, और साथ में ही एसी वेंट्स राइट साइड में, और अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको लेदर की रैपिंग मिलेगी देखने को, ग्रे फिनिश मिलेगी लेदर की रैपिंग के साथ, ग्रे फिनिश दी गई है, देखने में अच्छी लुक देता है, और साथ में फ्लैट बॉटम मिलेगा स्टीयरिंग आपको, जो कि डिज़ायर में मिलता है वही स्टीयरिंग आपको स्विफ्ट में भी मिलेगा देखने को। और टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, देखिए टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है जो कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन स्टीयरिंग व्हील को, तो टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, और साथ में ही आपको ऑडियो कंट्रोल्स और क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग, और साथ में SRS एयरबैग दिया गया है, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा, और साथ में ही आपको ऑडियो कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील भी दिए गए हैं जिसमें आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे, जैसा कि आप फ़ोन उठा सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड में ही आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं राइट साइड में, और लेफ्ट में आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और आप बात करेंगे अब MID की, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको क्या क्या दिया गया है, जैसा कि 220 की स्पीड मिलेगी आपको इसमें, और छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो आपको टेम्परेचर बताएगी, किलोमीटर बताएगी, क्लॉक बताएगी, और फ्यूल वगैरह भी शो करेगी इसमें, और RPM मीटर दिया गया है इसमें सिल्वर फिनिश के साथ, देखने में अच्छी लुक है, और ग्रे फिनिश दी गई है, और साथ में ही राउंड शेप में आपको AC वेंट्स दिए गए हैं राउंड शेप में। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लें जिसमें कि आप CD FM AM मीडिया प्लेयर वगैरह इसमें ले कर सकते हैं, और पावर बटन, और नोवो पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को, CD वगैरह प्ले कर सकते हैं, और कुछ बटन्स दिए गए हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको VXI वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ही ZXI में भी दिया गया है, नोवो पे क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को, और SRS एयरबैग एक और दिया गया है इसमें, दो SRS एयरबैग दिए गए हैं इसमें, दो SRS एयरबैग और एक ABS भी दिया गया है इसमें, ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, और साथ में ही ग्लो बॉक्स जो अच्छा खासा स्पेस ही है, दो टूटर दिए गए मैंने बताया था राइट लेफ्ट में, राइट लेफ्ट में दो टूटर मिलेंगे आपको डोर पे, और साथ में ही आप AC की बात कर लिए तो ऑटो AC दिया गया है इसमें, जैसा कि ब्लैक पैनो फिनिश मिलेगी देखने को साथ में ही ऑटो AC के साथ, देखने में अच्छी लुक दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लुक, पुरानी वाली स्विफ्ट से तो अच्छा ही लुक, अच्छी लुक है इसकी, और साथ में ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा आपको इसमें, चार्जिंग सॉकेट, और USB ऑक्स के पोर्ट भी दिए गए हैं इसमें, मोबाइल वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इसमें आसानी से, और 2 कप होल्डर, 2 कप होल्डर दिए गए हैं इसमें, और ये रिमोट की मिलेगी आपको देखिए, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो स्मार्ट की मिलेगी आपको, और रेस्क मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। तो ये है ZXI स्विफ्ट ZXI की कुछ ऐसी मिलेगी आपको इसमें, रिमोट की, और 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के ब्लैक पैनल फिनिश के साथ दिया गया है गियर लीवर, और ये आपका हैंड ब्रेक लीवर जो आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, क्रोम फिनिश के साथ, और साथ में ही आपको ये साइड डोर ट्रिम का लुक है को ड्राइवर साइड, जिसमें आपको कॉटन फिनिश मिलेगी, इन फ्रंट हैंडल क्रोम की मिलेंगी, और ग्रे फिनिश मिलेगी आपको, इन साइड हैंडल क्रोम के दिए गए हैं, बोतल होल्डर का स्पेस दिया गया है, और स्पीकर, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है ZXI का, और फ्रंट में आपको सनवाइज़र के साथ ही आपको IRVM रीडिंग लैंप, और साथ में ही आपको कोऑर्डिनेट सनवाइज़र दिया गया है वैनिटी मिरर के साथ, ग्रिप असिस्टेंट वगैरह। और चलिए अब हम इंजन रूम में चलेंगे और इंजन रूम की बात करेंगे कैसा इंजन दिया गया है इसमें। तो आपको 1.2 लीटर इंजन मिलेगा आपको, VVT इंजन दिया गया है इसमें, 1197 cc का इंजन मिलेगा आपको इसमें, और जिसमें आपको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मिलेगा, सेफ्टी फीचर्स में ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम दिया गया है, और बैटरी वगैरह फ्यूज बॉक्स वगैरह मिलेगा इसमें देखने को आपको। तो पावर की बात कर लेते हैं कैसी पावर दी गई है इसमें, आपको 82 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे, और अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो अच्छी खासी टॉर्किंग है इसमें, आपको 113 Nm की टॉर्क मिलेगी आपको
4,200 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।